डिस्ट्रिक्ट પાર્ક જે રિલીઝ થઈ છે કંપની એના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના સીએમડી પ્રેમ કિશન ગુપ્તા જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે આગળ વાતચીત કરવા માટે શુક્રિયા ગુપ્તાજી મેરે સાથે જોડને કે લિયે સબસે પહેલે મેં થોડા સિમ્પ્લિફાઈડ સ્ટ્રક્ચર સમજના ચાહ રહી થી ક્યુંકિ જિતના મેને પઢા જો ઓલરેડી લિસ્ટેડ કંપની થી ઓર જો ઈસ્ટ ઇન્ડિયા कंपनी थी उन दोनों का मर्ज करके रेलवे फ्रेट में मर्जर किया गया और उसका रीनेम करके आप रीलिस्ट कर रहे हैं एक आइडिया किस तरीके से सिनर्जी बेनिफिट्स वर्कआउट करते दिखाई देंगे रैशनल क्या था ये रिवर्स मर्जर के पीछे एक आइडिया अगर आप मुझे बता पाए तो उसी से शुरुआत करना चाह रही थी धन्यवाद जहाँ तक मर्जर का सवाल है ये तीन कंपनी अलग अलग कंपनी थी और गेटवे ईस्ट में और गेटवे रेल में शेयर होल्डिंग अलग थी और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क से लिस्टेड कंपनी थी थोड़े कुछ सालों में हमने गेटवे रेल और गेटवे ईस्ट में दोनों में अपनी ऑलमोस्ट 100% गेटवे ईस्ट में 100% और गेटवे रेल में 98% के करीब हमारी शेयर होल्डिंग थी तो उसके बाद तीन कंपनी अलग अलग चलाने में कोई का कोई मतलब नहीं था उन तीनों को अंडर वन अम्ब्रेला एक ही एंटिटी के अंडर में नाम जरूर मर्जर गेटवे रेल में हुआ है लेकिन नाम इसका गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क इसलिए रखा है क्योंकि इस बिजनेस में इस कंपनी में अब सीएफएस और आईसीडी कॉमन है तो और वेयरहाउसिंग में जो है वो भी इसी कंपनी में है तो ये तीनों कंपनी का इसी तरह से विलय करा गया क्योंकि कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनको भी मतलब ने स्वैप रेशियो वगैरह करनी थी तो ये सब प्रोसेस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज थ्रू सेबी और एनसीएलटी के थ्रू सारा हुआ है और शेयर होल्डर्स अप्रूवल के साथ हुआ है तो जो 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 एडवाइस थी वो यही जिस तरह से हमने ये मर्जर एमएल का मिशन करा है वो यही थी कि इस तरीके से हम अपने लाइसेंसेज हैं और हमारी जो सिनर्जीज हैं कि इंस्टेड ऑफ तीन कंपनी की तीन मैनेजमेंट हो उसको एक ही मैनेजमेंट में करके तीन कंपनी के अलग अलग फाइनेंशियल्स बनाते थे उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती थी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती थी जो कि अब इस मर्जर और अमलगमेशन के बाद नहीं होगी सारी मैनेजमेंट एक है जो कि पहले तीन तीन जगह थी उसके अलावा हम ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स को सर्विसेज दे सकते हैं चाहे वो शिपिंग लाइंस हों चाहे बड़े कस्टमर्स हैं और इस तरीके से हमको थोड़ा ये लगा कि हमको इससे फायदा होगा और जो कि हम देख रहे हैं हो भी रहा है तो ये था मर्जर का रैशनल ओके अग्रीड सर अच्छा इसके अलावा प्रमोटर स्टेक किस तरीके से वर्कआउट होंगे इस मर्जर के बाद एक आइडिया मुझे इसके ऊपर समझना है और डेट किस तरीके से वर्कआउट होते हुए देख पाएंगे हम लोग एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएं और यहाँ से जो नेक्स्ट विजन हम लोग सेट कर रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग सारे बिजनेसेस अंडर वन रूफ आते हुए देखेंगे इसके बाद की ट्रैजेक्टरी कैसे रहेगी इन टर्म्स ऑफ जो भी मार्केट शेयर इंडस्ट्री के लिए वर्कआउट हो रहा है उस लिहाज से तो आपने पूछा डेट के बारे में और आगे प्रोजेक्शंस के बारे में उससे पहले आपने क्या पूछा था कैसे वर्कआउट होगा ये मर्ज एंटिटी में नहीं अभी भी क्लियर नहीं हूँ मैं पहले तो मैं डेट का बता देता हूँ कि डेट इस वक्त कंपनी का काफ़ी रिड्यूस हुआ है क्योंकि तीनों कंपनी के कैश फ्लो एक जगह आ गए हैं तो जो डेट इपीडा के सामने चार गुना था वो अब इबीडा के कंबाइंड इबीडा के सामने एक से कम हो गया है जो पीक पे हमारा डेट था तीन साल पहले 850 करोड़ वो अब कम हो के 310 करोड़ हो गया है तो ये तो ये तो रहा मतलब डेट का प्रमोटर शेयर होल्डिंग का जहाँ हमने कहा वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग उतनी की ही उतनी है तो एक GDL शेयर के बदले में चार गेटवे रेल के शेयर मिले हैं और कंपनी का नाम हमने चेंज इसलिए करा है कि सिर्फ ये रेल पे ही केंद्रित नहीं है ये CFS भी है रोड ट्रांसपोर्टेशन भी है इसमें वेयरहाउसिंग भी है तो रेल का सिर्फ रेल फ्रेट कहना ठीक नहीं लगेगा तो ये सारे बिजनेस इसमें कराए हैं जहाँ तक आगे एक्सपेंशन का सवाल है और प्रोजेक्शंस का सवाल है तो उसमें ये है कि इस कंपनी के अंडर अब डेट कम हो गया है तो क्या और कैश फ्लो भी है
कैश एक्रूअल्स भी हर महीने लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो कंपनी की जो ग्रोथ है आगे, जो नए टर्मिनल बनाने हैं ऑल ओवर इंडिया, वो रेल के ही टर्मिनल ज़्यादा होंगे, क्योंकि CFS हम ऑलमोस्ट सभी पोर्ट्स पर हैं जहाँ पर कंटेनर बिजनेस है, और कंटेनर बिजनेस का जो CFS में है मार्जिन्स का बहुत सालों में काफ़ी कम हो गए हैं, अब जाके वो एक ऐसे स्तर पे आए हैं जहाँ पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए रेल में ही ज़्यादा हमारी हमारा ध्यान रहेगा कि उसके टर्मिनल्स नॉर्थ में, और जैसे जैसे और भी जगह ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं तो उन जगह पे अपने टर्मिनल्स बना के अपनी सर्विसेज को और एक्सपेंड करें। हमारा फुटप्रिंट, हमारा नेटवर्क धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया करने का विचार है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ रेलवे और साथ ही CFS बिजनेस, एबिटा पर थ्रूपुट किस तरीके से वर्कआउट होगा और साथ ही वॉल्यूम्स किस तरीके से पिकअप होते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से वन ईयर डाउन द लाइन की बात करें वो विजिबिलिटी कैसे वर्कआउट होगी, हमारे दर्शकों के लिए एक आइडिया, अगर आपने बैक ऑफ द एनवेलप ये कैलकुलेशन किए ही होंगे, अगर बता पाए मुझे। हाँ, तो अगर आप पहले 9 महीने का रिजल्ट देखें, पहले 3 क्वार्टर्स का, तो उसमें रेल में 44% के करीब वॉल्यूम्स ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट में भी प्रोरेटा उतनी ही बढ़ोतरी हुई है, और CFS में भी इस साल 22% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगले साल CFS के वॉल्यूम्स कम होंगे लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा असर नहीं करेगी, क्योंकि एक जो मेजर हमारे नावाशेवा में 2 CFS थे, एक हमने 15 साल के ONM एग्रीमेंट पे लिया हुआ था, वो 31 जनवरी को पूरा हो चुका है, तो अब हमने उसमें दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करा है, वो एक्चुअली RFP जो निकला है अभी तक उन कमर्शियल टर्म्स पे किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का था, वो उनके पास वापस चला गया। हमारा जो अपना CFS है उसमें हमने जो ऑक्यूपेंसी 60-65% चल रही थी उसको बढ़ा के अब ऑलमोस्ट 80% कर दिया है, और आगे ये भी 90% के करीब ले जाने का आइडिया है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर CFS बिजनेस में अगले वित्तीय वर्ष में कम दिखाई देंगे, और रेल में बढ़ोतरी कंटिन्यू रहेगी, तो मैं प्रोजेक्शन नंबर वाइज नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली प्रोजेक्शंस के जो अभी ट्रेंड चल रहा है तो रोड से भी रेल पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसका भी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि गेटवे को फायदा पहुंचा रही है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मुझे एक चीज इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये भी समझनी है, क्योंकि हम लोग काफी दिक्कतें ऑलरेडी देख चुके कंटेनर शॉर्टेज को लेकर, शेंजन में जो लॉकडाउन है वेसल्स को के ऊपर उसका इम्पैक्ट, एक ये भी कंडीशन देख चुके। लास्ट टाइम हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था कि और 2 टर्मिनल सेटअप करने के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं तकरीबन 120 करोड़ के खर्चे के ऊपर, अब ट्रेजेक्ट्री कैसे देख रहे हैं आप? क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर इतना इजाफा हो चुका है, आपकी तरफ से एक आइडिया कैसे सेटअप हो रहा है? जो 2 टर्मिनल्स की मैंने लास्ट टाइम बात करी थी उसमें काफी प्रोग्रेस है, और हम लोग जल्दी ही एक बार जब लैंड खरीद लेंगे तो उसका लोकेशन वाइज हम अनाउंस करेंगे, और जो स्टील के रेट है, कंस्ट्रक्शन के रेट हैं, वो बढ़ गए हैं, तो ये 120 करोड़ का जो था उसमें हमने थोड़ा सा जितना कैपेसिटी का बना रहे थे उससे हायर कैपेसिटी का हम सोच रहे हैं, तो ये 2 टर्मिनल हमारे 200 करोड़ में बनेंगे, और उसके अलावा 50 करोड़ का इक्विपमेंट हम लोग इन दोनों जगह पे जो ऑपरेशंस के लिए होता है वो लगाएंगे, तो ये अगले 1-1.5 साल में ये इन्वेस्टमेंट आप गेटवे की देखेंगे।